जो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अयोध्या की रसोई किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द और सोए की दाल। पालक और बथुए की दाल तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको कैसे उड़द और सोवा, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इस समय तो बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं। तो पहले मैंने एक कटोरी दाल ले ली है, उसके बाद सोवा काट के अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिए। तो दोस्तों, हमने ये दाल ले लिए और ये सोया है, ये पानी और 1 इंच का टुकड़ा हींग का, स्वादानुसार नमक। तो अब हम कुकर चढ़ाने जा रहे हैं गैस पे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हमने डाल दिया। अब इसमें हम दाल डालेंगे, हम दाल इसको डाल देंगे। उसके बाद दाल डाल दिए, अब इसमें साग डाल देंगे। साग डाल दिए, हींग डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे 1 चम्मच। तो इसमें थोड़ा पानी कम था, तो 1 गिलास पानी हम और डाल देंगे। उसके बाद ढक्कन को लगा देंगे, 5 सीटी आने तक इसको इंतज़ार करेंगे। जो हाँ दोस्तों, ये हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। इसमें अब हम इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं। इस फ्राई करने के लिए हमने लिया है अदरक, 2 हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, लहसुन, हरा धनिया। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा थोड़ा जब लाल हो जाए तो लहसुन डाल देंगे। थोड़ा ब्राउन कलर होने तक अब हम इसको चला देते हैं। अब इसमें हम अदरक डाल देंगे। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च, थोड़ा इसको चलाएंगे। इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब हम तड़के को दाल में डाल देंगे। ये देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी हुई है, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।